सर्वप्रथम शब्द सृष्टि के संस्थापक मनोहर मीडिया के अध्यक्ष संस्थापक प्राध्यापक डॉक्टर मनोहर जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अनुवाद व्याख्यान माला के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के इस डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यान माला प्रस्तुति में आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। डॉक्टर विजय स्मृति व्याख्यान माला प्रस्तुति करते हुए मुझे बहुत हर्ष एवं आनंद की अनुभूति हो रही है एवं आप लोगों के बीच में अनुवाद एवं अनुवाद के दौरान आई कठिनाइयों एवं समस्याओं के बारे में कहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर विजय की स्मृति को नमन करते हुए अपने विषय को प्रस्तुत करती हूँ। वैसे मैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम एवं अन्य प्रदेश में रहने वाले संताल समुदाय द्वारा बोले जाने वाली संताली भाषा का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरी साहित्यिक रचना में कुछ अनुवादित पुस्तक के साथ साथ मौलिक रचनाएं भी शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भाषा में सृजनशील निर्मित से भाषा जिंदा होती है तो अनुदित साहित्य से समृद्ध हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि अनुवाद मात्र कौशल नहीं, यह एक कला है। सांस्कृतिक विरासत की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय भाषा की आपसी अनुवाद अति आवश्यक है। दुनिया के किसी एक हिस्से में प्रयुक्त होने वाली भाषा में उकेरी गई कोई गुड़ बात किसी अन्य छोर पर प्रचलित भाषा के जानकारों के लिए तब तक काला अक्षर भैंस बराबर ही होती है जब तक कि उसका भली भांति भावानुवाद करके दूसरे पक्ष के लोगों के दिल में उतरने लायक नहीं बना दिया जाता है। भावानुवाद सही मायने में सत्य और नए रहस्यों को खोजने की कला है। भाषाएं अनुवाद की रथ पर सवार होकर दुनिया का तीर्थाटन करती है और भावानुवाद के विशेषज्ञ अनुवादक निसंदेह केवट का काम करते हैं। अनुवाद महज शब्दकोश की सहायता से किसी दूसरे भाषा में समानार्थी शब्द ढूंढने जैसा आसान काम नहीं है। वास्तविकता में अनुवादकों को अपने बहुभाषी ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाकर दोनों भाषाओं के उस मर्म को तलाशना होता है जो उन भाषाओं के प्रयोगकर्ताओं के जहन में बसे भावों का प्रतिनिधित्व करता है। वह रचना जिस पृथक जीवन शैली व संस्कृति को प्रस्तुत कर रही होती है शब्दों के पार जाकर उस जीवन शैली व संस्कृति की आत्मा तक पहुंचना होता है। पात्रों की आत्मा में बैठना पड़ता है तभी वह उनको अपनी भाषा में सही मायने में सहेज सकेगा। इसमें अनुवादक की प्रतिभा एवं लगन अहम भूमिका निभाती है और इसके प्रति उसके मन में व्याप्त आत्मीयता भी। अनुवाद सचमुच पुनर्सृजन है। अनुवाद की सफलता इसी में है कि वह अनुवाद ना लगे। अनुवादक मूल लेखक के मुद्दों एवं संदेशों का कुशल संवाहक भर होना चाहिए, उसमें उसकी दखल अंदाजी कदापि नहीं होनी चाहिए। अनुवाद करते समय स्वयं की अनुपस्थिति और पुनर्सृजन को याद रखना होता है। अनुवादक को स्वयं को भूलना होता है, अपनी शैली अपने विचार के वस्त्र उतारकर नया चोला धारण करना होता है। उस चोले को हम परकाया प्रवेश भी कह सकते हैं। एक भाषा की काया को अक्षुण रखते हुए दूसरी भाषा में पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करना ही अनुवाद है। इसीलिए यह कार्य केवल शब्द समूहों को नए वस्त्र पहनाने जैसा नहीं है बल्कि आत्मा को दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित करने जैसा है। अनुवादक यदि स्वयं साहित्यकार भी है तो अपने आप को अनुवाद प्रक्रिया में अनुपस्थित रखना होगा ताकि उसकी साहित्यिक आत्मा मूल लेखक की आत्मा पर हावी ना होने पाए, क्योंकि पाठक अनुवादक की साहित्यिक प्रतिभा से परिचित होने के लिए अनुवाद नहीं पढ़ता बल्कि मूल लेखक की रचना और चिंतन का दर्शन करना चाहता है। श्रेष्ठ अनुवादक वही है जो मूल रचना की आत्मा को कोई खरोच ना लगने दे। मराठी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार वालचंद्र न्याडे के अनुसार जब किसी संपन्न भाषा संस्कृति में लिखी गई कोई महत्वपूर्ण रचना दूसरी भाषा में अनुदित होती है तब दूसरी भाषा संपन्न होती हुई 5-10 साल आगे बढ़ जाती है।
एवं संस्कृति संघर्ष में उसके डटे रहने की संभावनाएं अधिक बलशाली हो जाती है। अनुवाद कला विश्व में सभ्यता और संस्कृतियों के बीच सोच समझ और संवाद की धुरी का काम कर रही है। आज विभिन्न देशों के बीच मधुर संबंधों को देखकर मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार भाषाई विविधता की वर्जनाओं और बाधाओं को लांघकर दुनिया के मुल्कों ने किस प्रकार सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। सही मायनों में या भावों के मर्म को अपनी गहरी समझ के साथ अनुवाद करने के मिशन में वर्षों से जुटे साधकों की देन है। उनके दम पर ही ग्लोबलाइजेशन के मकसद लगातार साकार हो रहे हैं। 21वीं सदी के अत्याधुनिक काल में सभी भाषाओं के संपर्क अभियान द्रुत गति से बढ़ रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा समस्त विश्व सिमट कर रह गया है, जिससे संताली भाषा भी अछूता नहीं है। फेसबुक तथा सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके उपयोग अधिक से अधिक करके भाषा साहित्य को समृद्ध करना जरूरी हो गया है। विश्व साहित्य के संपर्क में पहुंचने के लिए कतिपय समस्या होते हुए भी उसको पार करने के लिए उतना ज़्यादा समय नहीं है जितना हम समझते हैं। जिस तरह से मीडिया आगे बढ़ रहा है उसकी रफ्तार असीम है। वैसे आज कई तरह से संताली भाषा या बोलचिकी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। लोक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं द्वारा बहुभाषीय साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसका उद्देश्य अन्य उन्नत भाषाओं के साथ मित्रता कायम रखना, व्याकरण का शुद्धिकरण करना, समस्त साहित्य को एक सूत्र में यथावत बनाए रखना, समस्त साहित्यकारों को आपस में मेल मिलाप बनाए रखना है। जैसा कि हम जानते हैं, अनुवाद करते समय बड़ा जिम्मा उठाना पड़ता है। अनुवादक का उत्तरदायित्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वह दो भाषाओं को जोड़ने का काम कर रहा है एवं दोनों भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है एवं दूसरी भाषा के उस लेखक के साहित्य को पूरी तरह से लोगों के सामने रखना अनुवादक का कर्तव्य हो जाता है। अनुवादक को समय सीमा से परे, भौगोलिक परिस्थिति से हटके, सांस्कृतिक रीति रिवाजों से विपरीत जाकर मूल लेखक की मना स्थिति में यथावत प्रवेश करना पड़ता है। मूल साहित्य की वचनीयता और रस माधुर्य को अनुवाद में बरकरार रखते हुए पाठक के सामने प्रस्तुत करना होता है। लेकिन कितने यत्नों के बावजूद कभी कभी वह शक्य नहीं हो पाता है। सहजता से वैसे के वैसे सारा अर्थ अनुवाद में लाना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन भी होता है। कहीं कई जगहों पर पर्यायवाची शब्दों की अनुपलब्धता के कारण सही एवं सटीक शब्द प्रयुक्त नहीं हो पाते हैं। सभी लोकोक्तियों एवं मुहावरों को सही रूप से नहीं उतार पाते हैं। हर भाषा का अपना अलग अलग स्वाद होता है, अपने अलग अलग मुहावरे कहावतें होती हैं। अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार वहाँ के रीति रिवाज से जुड़े हुए होते हैं, जिसका अनुवाद करना बेहद कठिन होता है। अर्थ का अनर्थ तब ज्यादा होता है जब हम शब्दशः अनुवाद करना चाहते हैं। हर भाषा की अपनी एक खास प्रकृति होती है, इसलिए जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे होते हैं उसकी प्रकृति, उसके मिजाज का रक्षण करना अवश्य हो जाता है। शब्द संस्कृति के वाहक होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति बदलने से शब्द वाक्यांश तथा मुहावरों का अर्थ बदल जाता है। इसलिए शब्दों और वाक्यांशों का अनुवाद अपने देश या प्रदेश की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। शब्दशः अनुवाद संभव नहीं होता है, क्योंकि एक भाषा के शब्द हूबहू दूसरी भाषा में अक्सर नहीं मिलते हैं। कई बार शब्द महज शब्द नहीं होते, उनके साथ एक अवधारणा भी जुड़ी होती है। एक अच्छे अनुवादक को भाषा की इस सीमा की मर्यादा को पहचाननी होगी। जिस प्रकार एक इत्रदान से दूसरे इत्रदान में इत्र डालते समय थोड़ा अंश तो पहले के इत्रदान में बचा ही रह जाता है एवं
सारा का सारा इत्र दूसरे में डाल नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार अनुवाद के बारे में भी मैं महसूस करती हूँ। माना कि अनुवाद में यथावत शत प्रतिशत अभिव्यक्त होना संभव नहीं होता, फिर भी कई जगहों पर कुछ और कई जगहों पर बहुत कुछ हाथ लगने का सुख तो निश्चित ही मिलता है। जब सृजनात्मक बेचैनी मूल रचनाकार की बेचैनी की समानधर्मा होती है। अनुवाद ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पाठक को मूल कृति पढ़ने जैसा संतोष मिले। वह किसी और भाषा की रचना पढ़ रहा है ऐसा पाठक को लगना नहीं चाहिए। प्रत्येक विषय की अपनी भाषा है, उसके खास परिभाषित शब्द हैं, जिनकी बारीकी का पता उस विषय के जानकार को ही होता है। इसलिए अनुवाद की आदर्श स्थिति यह है कि कविता का अनुवाद एक कवि करे, कहानी का अनुवाद एक कहानीकार करे और समाज विज्ञान पुस्तकों का अनुवाद कोई समाज विज्ञानी ही करे, तभी विषय के साथ न्याय की उम्मीद की जा सकती है। मित्रों, वैसे मैं संताली भाषा से जुड़ी हुई हूँ। मुझे स्कूल के दिनों से ही उपन्यास, कहानी एवं कविताएं पढ़ने एवं लिखने का काफ़ी शौक था। मैं जब अन्य भाषाओं के साहित्य को पढ़ती थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इन कहानियों एवं कविताओं को हमारे समाज के लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। फिर मेरे मन में विचार आया कि अन्य उन्नत भाषाओं के साहित्य को अपनी भाषा में अनुदित कर या फिर रूपांतरित कर अपनों के बीच कुछ अच्छे विचारों को सामने ला सकती हूँ, जिससे दूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अन्य भाषा से अनभिज्ञ मेरे समाज के लोगों एवं नई पीढ़ी के उच्च कोटि के साहित्य का रस चखाया जा सकता है। इस लक्ष्य को लेकर ही अनुवाद कार्य के लिए साहित्य से अनुप्रेरित हुई। इसी क्रम में मैंने बंगला के महान कथा शिल्पी शरत चंद चट्टोपाध्याय की परिणीता को बापलानी के रूप में एवं महान लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित मालांच को बहाबड़गे के रूप में अनुदित कर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर रचित और एक उपन्यास गोरा का भी मैंने अनुदित किया है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। बंगला के कालजयी उपन्यासकार शरत चंद चट्टोपाध्याय की लिखी कई कहानियां मैंने पढ़ी, उनमें से देवदास, बोड़ो दीदी, चरित्रहीन, मंजली दीदी, पद के दावेदार आदि प्रमुख हैं। उनमें से परिणीता उपन्यास मेरे दिल को छू गई। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय नारी के दुख दर्द को अत्यंत सहज एवं सरल भाषा में चित्रित किया है। उनकी इस महान कृति को अनुवाद करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ, क्योंकि इस उपन्यास में महिलाओं की मनोवृत्ति एवं पीड़ा को समानांतर रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके लेखक का यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाजवादी रूढ़ियाँ और परंपराओं से विद्रोह, पात्रों का सहृदयपूर्ण सजीव चित्रण, नारी के प्रति अतीम श्रद्धा एवं पात्रों के मनोभावों का सूक्ष्म विश्लेषण मन को छू जाता है। मैंने इस उपन्यास की विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण की कला तथा लेखक के सूक्ष्म निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुवाद का कार्य करने की कोशिश की। अनुवाद का कार्य किसी रचनात्मक कार्य से कम नहीं है। इसे करने के लिए पूरी निष्ठा, लगन, धीरज एवं भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कहीं कहीं तो मूल लेखन से भी अधिक यह कठिन हो जाता है। जहां तक भाषा के विनियोग का सवाल है, अनुवाद के लिए करीब करीब समान मात्रा में सृजनशील प्रतिभा की अपेक्षा रहती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अलग अलग विशेषताएं एवं संरचनाएं हैं, इसीलिए किसी भाषा के साहित्य को अन्य भाषा में रूपांतर करना अथवा अनुवाद कर उसमें उसके वास्तविक स्वरूप का समावेश करना सहज कार्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जब मैं परिणीता का अनुवाद कार्य शुरू की तो मेरे सामने कई मुश्किलें सामने आईं। कभी मेरे मन में यह भी प्रश्न उठने लगा कि क्या मैं इसका अनुवाद पूरा कर पाऊंगी।
वैसे तो प्रत्येक प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज एवं भाषा अलग अलग होती है, पर मैं टस से मस नहीं हुई। घर वालों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे विश्वास दिलाया गया एवं उनकी इसी विश्वास को देखकर मैंने भी ठान लिया कि यह कार्य मैं पूरा करके ही रहूंगी। मैंने जिद करके अनुवाद का कार्य को पूरा किया। मेरे सामने सबसे बड़ी कठिनाइयाँ, मेरे पास समय की कमी थी, क्योंकि मैं एक नौकरी पेशा महिला, वह भी ऐसी नौकरी जहाँ 8-8 घंटे दौड़ते हुए ही लोगों की सेवा करनी पड़ती है। ऊपर से घर में 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी थी। मुझे लगता था मैं चाह कर भी साहित्य के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाती जितना देना चाहिए। इसके बावजूद भी मैंने परिणीता, मालांच एवं गोरा जैसे महान उपन्यास को संताली में अनुवाद करके पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। इस दौरान मुझे और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संताली साहित्य आज भी विकास के क्रम में है। ऐसे में दूसरे उन्नत साहित्यों को संताली में अनुवाद करना सच में बहुत बड़ी चुनौती और उत्साहवर्धक भी है। हालांकि मुझे अनुवाद के दौरान कई उलझनों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक तो, जैसे कि पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि संताली साहित्य अभी विकास के क्रम में ही है, और किसी भी अन्य उन्नत साहित्यों से अनुवाद के दौरान कभी शब्दकोशों की कमी महसूस होती है, तो कभी पर्यायवाची शब्द ढूंढने में वक्त लग जाता है। कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही अर्थ वाले कई समानार्थी शब्द अलग अलग जगहों पर प्रयुक्त किए गए हैं, परंतु संताली में उतने सारे पर्यायवाची शब्द नहीं मिल पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं कमल पुष्प के बारे में लिखना चाहती हूँ तो हिंदी में कमल पुष्प के कई नाम हैं, परंतु संताली में मुझे उतने सारे शब्द नहीं मिल पाते हैं। ठीक उसी प्रकार पानी के कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि जल, नीर, अंबु इत्यादि, पर सभी शब्दों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ के साथ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ मुझे पानी पीना है, वहां मुझे जल पीना है नहीं कह सकती, और अगर मैं कहती हूँ कि मंदिर में जल चढ़ाना है, उस जगह में मैं पानी चढ़ाना है नहीं कह सकती हूँ। अर्थात जल और पानी दोनों ही समानार्थी शब्द होते हुए भी अलग अलग जगह प्रयुक्त किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अनुवादक को सही एवं सटीक शब्दों का चयन करना होता है। यहाँ भी मुझे संताली में पानी का सिर्फ एक ही शब्द दा दिखाई देता है। उसी तरह कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि संताली में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं, पर वह हिंदी में नहीं है। उदाहरणतः, गाय बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, मुर्गी अंडों पर बैठी है, औरत कुर्सी पर बैठी है, सभी के साथ बैठना शब्द प्रयुक्त हो रहा है, परंतु वही संताली में सभी के साथ अलग अलग शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि डंगरी दो बुरुम अकनाए, चेणे दो डर्रे आप अकनाए, सीम इंगा दो ओबोर अकनाए, कुड़ी ओपन दो मची रे दुड़ूब अकनाए। अर्थात गाय का बैठना, चिड़िया का बैठना, मुर्गी का बैठना और औरत का बैठना, सभी के लिए भिन्न भिन्न शब्दों को प्रयुक्त किया गया है। अतः इसमें मूल भावना के अनुरूप ही शब्दों को जरूरत के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है, जिससे अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसी कारण समतुल्यता के लक्ष्य बनाकर भाषा की स्वाभाविकता का अधिक से अधिक ख्याल रखना पड़ता है। कई बार एक उपयुक्त शब्द को ढूंढने के लिए घंटों लग जाते हैं, और कभी-कभी दूसरों से सलाह भी लेनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुवाद को आत्मीयता पूर्वक ना करना उस मूल रचना के साथ अन्याय होता है, जिसे आप अनुदित कर रहे हैं, एवं उसमें अनुवादक की अपनी छवि तो खराब होगी ही, साथ
ही एक महान रचना के साथ खिलवाड़ भी होता है। अतः कभी-कभी ऐसा आभास होता है कि अनुवाद कार्य सफल तभी होता है जब उस मूल रचना की पहचान अनुवाद की पहचान के साथ जुड़ जाए। भले ही हम अनुवाद प्रकृति को ज्यादा अहमियत नहीं देते, फिर भी अनुवाद के बगैर हम भारतीय या विश्व साहित्य का आनंद उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर एक राजा या प्रदेश का निजी सत्व उसके साहित्य में ही उजागर होता है। सही मायने में साहित्य ही समाज का दर्पण है, और बिना अनुवाद के इस सत्व को कैसे पाया जा सकता है? जिस समाज का साहित्य भंडार जितना भरा होता है, उस समाज को उतना ही उत्कृष्ट समझा जाता है। हमारा साहित्य ही हमारी परिचय है। ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो कि हमारे संताली लिपि ओल चिकी के जन्मदाता है, उनके कथन अनुसार ओल मेना तमा, रोड मेना तमा, धोरो मेना तमा, आम्हू मेनाम। ओले मात ले रे, रोड़े मात ले रे, धोरो में मात ले रे, आम्हू मादो। अर्थात लिपि अगर आपकी है, भाषा अगर आपकी है, धर्म अगर आपकी है, तो आप भी है। आप अगर लिपि खो दिए, आप अगर भाषा खो दिए, आप अगर धर्म खो दिए, तो आप भी अस्तित्वहीन हो गए। और अंत में मनोहर मीडिया की पूरी टीम को, विशेषकर डॉक्टर मनोहर जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने सब सृष्टि के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं के लेखकों को जोड़ने का प्रयास किया है। धन्यवाद। जोहार।